जब तक उस पर निछावर नहीं होंगे और उस पर आशिक नहीं हो जाएंगे, अपना उसको नहीं बना लेंगे, उसके आप नहीं होंगे, तब तक मतलब ये जो व्याकम जो गुरु का शब्द अर्थ में वो नहीं आपको मिलेगा, क्योंकि वो पूरा कोई जानता नहीं उसको, जब बताएगा तभी तो। कहते हैं 2400 शब्द स्वरूपी संघ है, कहते शब्द रूप से 2400 घंटे प्रेमी के पास रहते हैं हमेशा, शब्द स्वरूप संघ है हमेशा संग रहते हैं। धीरज रखिए चित्त में, धीरज रखो यानी चित्त में धीरज रखो, थोड़ा सब्र करो, जब सब्र करो धीरज रखोगे देखोगे शत्रु उसको और घबरा गए और धीरज टूट गया तो फिर वही है कि तिल पे तो आसन बनाया नहीं, जब वहाँ तुमने बैठक नहीं बनाई तो दरवाजा नहीं खुला, इसलिए वो है, तुम जरा सा लगे रहो भाव के साथ में, बस मतलब तिल खुल जाएगा, वही तिल खिड़की दरवाजा खुलेगा और स्वरूप उस शब्द स्वरूप ही संग है, कभी ना होते दूर, कभी दूर नहीं होते हमेशा। अगर उस शब्द से रक्षा न करें तो मान लो कोई जाने लगा, कोई अमेरिका में, कोई बिहार में रहता है, कोई बंगाल में, कोई नागालैंड में, कोई यहाँ, वो तो वहाँ जा रहा और वो तो फिर कैसे संभालोगे, आपको इसका भेद कैसे पता चले, उस तुरंत फौरन सेकंड भी नहीं लगते, वो तो बात ही है, वो वहाँ है तुम्हारी बुद्धि से वहाँ और उनकी दृष्टि से वो सामने है, तो बहुत अंतर हो गया, वो सामने ही है, वो वहाँ से वो सामने आए, सामने ही है, दूर नहीं है, अंतर की दृष्टि से दूर है ही नहीं, बाहर की दृष्टि से बहुत दूर है, कहाँ अमेरिका और कहाँ चीन और जापान और कहाँ कौन कौन मुल्क है, वो बहुत दूर है, लेकिन अंतर की दृष्टि से सामने इतना अंतर है, अंदर की दृष्टि का और बाहर की दृष्टि का, चर्म दृष्टि हो ज्ञान दृष्टि, उससे रचना तो बिल्कुल सामने है, जड़ वो दूर नहीं होती, बोलो, इसलिए तुरंत संभाल होती है उसकी, शब्द से फौरन संभाल हो, बोलो। तू भी सुरत स्वरूप है रहे गुरु की लाड, तो भाई तू भी तो शब्द रूप है, लेकिन जब गुरु की लाड़ में हो जाए तो शब्द स्वरूप हो जाए, अभी तू अलग थी, सबसे अलग हो गई थी इसलिए शब्द रूप नहीं था, और जब शब्द रूप हो जाएगी तो हमेशा, तो कहते गुरु की लाड़, गुरु की शरण में तू चले जा, कौन जो ऊपर में है, और कहते हैं कि भाई वो तो कहते हैं कंज गुरु, उसी को कंज भी कहते हैं, कहते हैं कंज गुरु मिले दर्शन हुए वो हमको ले गए, देह गुरु से कुछ नहीं बनता, कंज गुरु से बनेगा, जो कंज को प्राप्त कर चुका है, कंज हो चुका वही कंज गुरु है, और देह गुरु से देह गुरु बाहर लगाते थे, इनको देह गुरु कहते हैं, कंज गुरु अंदर भी ले जाएंगे, बड़ा अंतर है जमीन आसमान का फर्क, यह अंधेरा हो जाना, तो कहते तेरा भी तो शब्द रूप है, अब थोड़ा जब इन चारों शरीर से निकल जाती है तो शब्द रूप हो गई, अब वो सब जगह व्यापक हो गई, सब जगह व्यापक हो जाती है, इनके अंदर भी व्यापकता है उस शब्द की, क्योंकि पर्दे के अंदर भी वो शब्द है, अंदर भी, फिर उस पर पर्दा पड़ गया उस पर, तो तुम्हारे लिए जज हो गया, उसके लिए तो शब्द है ही, तो शब्द स्वरूप ही संग, तू भी शब्द शब्द रूप हो जा, लेकिन कैसे होगी कि गुरु की शरण में लार में उनके शब्द सुनने से ही शब्द रूप हो जाएगा, बोलो। नैनन में गुरु रूप है तूने न उभार, अरे भाई नेत्रों ही से तो दिखाई देगा, तो नेत्र को खोल, उभारने का मतलब है खोलना, कहते नेत्र खोल, और जब नेत्र खुलेगा तो गुरु तुझे दिखाई देगा, नेत्रों में जब तक दृष्टि नहीं खुलती है तब तक वो चेतन प्रकाशमान गुरु रूप दिखाई नहीं देता, दृष्टि खुलेगी तब नहीं है, बोलो। सर्वन में गुरु शब्द है सुने गगन पुकार, अब कहते हैं सूरत में तो सतलोक में भी कान थे, सतलोक में भी आँख थी और सतलोक में भी नाक थी, ये तीनों चीजें वही थी, अब पर्दा पड़ गया तो तीनों चीजें हैं, आँख भी है कान भी है नाक, ये सीधा उसी सूरत से संबंध है, इसका भी संबंध लगा रहा है, इसका भी लगता है, जब कोई पर्दा नहीं था तब तो निकाली थी, तो कहते हैं कि भाई कानों में तो गुरु शब्द है लेकिन तू
पात्र को बर्तन को साफ करने, अपना बर्तन साफ कर जिसमें तूने कूड़ा कचरा भर रखा, और वो श्रवण करने से यानी आवाज़ को सुनने से साफ हो जाएगा, देखने से साफ हो जाएगा, बर्तन साफ हो जाएगा, बस तू एकदम से उतर जाए तो तेरा रूप उसमें, उसका रूप तुझ में, एक दूसरे का दूसरे का, तुम उसमें देखो आप देखो, दोनों का दिखाई देता है, यानी मालिक का रूप सूरत में और सूरत का रूप मालिक में, वो अपना रूप देखेगी वो मालिक अपना। विचित्र खेल है इसका। अब यह है कि जब ही समझ में आता है, जब भजन करो तब ध्यान हो भजन, जब करो तो तीनों चीज़ें गोपनीय, सुमरण और ध्यान और भजन, ये तीनों चीज़ें अंदर की गांठ में, सुमरण भी करो सूरत से और सूरत से ध्यान भी करो और सूरत से भजन भी करो, तीनों चीज़ें ये घाटी पर हैं, और बाहर से करोगे इंद्रियों के घाट से तो नहीं माना जाएगा, इसलिए दरवाज़ा बताया कि घाट पर बैठ करके इस तरह से देखो और ऐसे सुनो, लेकिन अब टकटकी तो लगानी है सबको, स्थिरता तो वो जो अपनी दृष्टि में चंचलता आ गई उसको तो एकाग्र करना ही है, क्योंकि बेकार ये वो सूक्ष्म चीज़ है, अति सूक्ष्म है, बाहर की दृष्टि से कभी दिखाई नहीं दे सकता, तो अंदर की दृष्टि एकाग्र इसलिए करना कि सूक्ष्म चीज़ सन्मुख आ जाए, सामने हो और हम उसको आँख से देख सकें, ऐसा ही। अब देखो ये सूरज निकल रहा, अभी देखो लाल दिखाई देता है वो सामने, अभी थोड़ी देर में बदला जा रहा, तो महात्मा जो बाहर का कोई प्रमाण होता है नमूना उसको एक इशारे में बताते हैं, अब ऐसा सूरज अंदर बहुत बड़ा, ये तो कुछ भी नहीं, ये तो सूरज निकलता डूबता है इससे लाखों कितने गुना बड़ा, तो उसका आकाश भी बड़ा होगा, तो मतलब ये रूप भी बड़ा तो आकाश भी बड़ा, तो असली बात यह है कि कोई ऐसा नमूना मिलना चाहिए जिससे कि अंदर इसको धसाया जा सके, अंदर बैठाया जा सके, अब अंदर का घाट जब भूल गया तो उसे क्या मालूम कैसे बैठेंगे, कैसे मतलब ये कि करेंगे क्या करेंगे क्या नहीं, तो जो अब सुलभ है इसलिए, पहले तो इसलिए कि क्रिया ये थी नहीं, ये क्रिया नहीं थी, ये रास्ता नहीं था, पहले नीचे का था, प्राणायाम सब लोग करते थे नीचे से, बुधा चक्र से ले आते थे, अब महापुरुषों ने नीचे का सब खत्म कर दिया, इधर से कोई क्रिया सारी टिक नहीं, अब सूरत यहाँ बैठे यहीं से करो, तो ये तो कलयुग में अभी जारी हुआ, 700 वर्ष के अंदर पहले से नहीं था, ये तो अब जारी हुआ, पहले अब यह सुलभ है, सब इसको बच्चे भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं और बूढ़े भी कर सकते हैं, जवान तो करते ही करेंगे, सबके लिए सुलभ। अब इधर से ध्यान को हटाना, और ये इधर जो फैला रखा है उसको ध्यान इधर ले आओ, यहाँ ले आओ, इधर अंतर का घाट अंतर में, बाहर का घाट बाहर, तो बाहर छोड़ के अंदर में चले जाओ, इतने ही समझने की ज़रूरत है, बहुत चित्त को लगा करके यही समझ में आ जाए तो जल्दी हो जाए। अब बहुत से लोग हैं सत्संग सुनते हैं, उनको बताया पूरा तो सत्संग नहीं उन्होंने सुना, तो अपना बैठते तो उनको समझ ही नहीं आता, तो उनको बैठा 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 सुना के बैठा बैठा के तब कुछ समय के बाद, तो कुछ काल ही करिए सत्संगा, कुछ सत्संग करते करते तब फिर ये भ्रम जाता है कि भाई घाट तो अंदर है, वो तो हमारा घाट, तब उनको होने लगता है, तब समझने लगते। बोलो बोलो। सतगुरु पूरे कह रहे यह मार्ग सार, जो सतगुरु माने भाग से तो उतरे पार। कहते सतगुरु पूरे कह रहे हैं कि भाई ये रास्ता अनाथ का सार है, सारस कहते सच्चा, जहाँ से तुम आए हो वो रास्ता है, अभी तो हमको पता ही नहीं कि मैं कहाँ से आया हूँ, मालूम नहीं कहाँ से उतर के आया हूँ, ये जो इतनी सृष्टि जिसने बनाई ये कहाँ से बनी ये किसी को नहीं मालूम, सब जीव भूले वाले हैं सबके सब एकदम, सब धोखा खा चुके धोखे में, इसलिए पूरे सदगुरु कह रहे हैं कि हमारा सीधा सच्चा है सार है, और इसी से जीवों को चलना चाहिए, जितना भी बन सके इसी को करते कर बन जाओगे तो, और दूसरे रास्ते में आपको कुछ मिलना नहीं, और सब रास्ते असार हैं,
असार रास्तों में सार नहीं मिलेगा, सार रास्ते में सार मिल जाएगा। तो पूरे सदगुरु ने ये बताया प्रेमी को कि देख ये सार रास्ता है, इस पर निकल चल, और अभी मौका है मनुष्य शरीर मिला दो उसको, तो भजन करना है। आज शाम को जो लोग आए हुए हैं कुछ आदमी, उनको शाम को नामदान, लेकिन सत्संग 4 बजे होगा। आज इतवार का सत्संग 4 बजे, कितने बजे? 4 बजे होगा। तो आपको 2-4 मिनट 5 मिनट पहले आ जाना चाहिए, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा फिर हम नामदान नहीं दे सकते। थोड़ा उजाला रहेगा तो समझाने में आप देखोगे भी और ठीक से सुनोगे भी, तो ठीक अंधेरा हो जाएगा तो ऊट चूक हो जाती है अंधेरे में, बताने में कराने में, इसलिए उजाला रहना चाहिए।